प्रणाम साथियों, नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं धर्मेंद्र सिंह, साहब कुछ भिक्षा दीजिए। बेटा बैठ जाओ, पहले तुम बैठो चेयर पे, बैठो पहले। बताओ बेटा, तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो? क्या करे, मुझे पढ़ाने वाले कोई है नहीं। पढ़ने की तो बहुत इच्छा थी, लेकिन माता पिता वृद्ध हैं, इसलिए मुझे यह करना पड़ रहा है। बेटा अभी पढ़ने की उम्र है, चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पढ़ने की इच्छा है। हाँ, पढ़ने की तो इच्छा है, लेकिन भगवान ने जो कहा है कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। अरे वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। ठीक है बेटा, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा एडमिशन PDHSS स्कूल में करवा दूंगा। वहाँ कि जितने खर्चा आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, तुम जाकर विद्यालय में संपर्क कर लेना, मैं बात कर लूँगा। ठीक है साहब, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो नमस्कार। साथियों, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके दो मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। आपको किसी की पीठ थपथपाने से अगर उसकी थकावट दूर होती है तो यह भी श्रमदान है। आप प्लेट में उतना ही लीजिए जितना व्यर्थ न जाए, तो यह भी एक अन्नदान है। नमस्कार।